हेलो दोस्तों, क्वेस्ट फॉर एडुकेशन चैनल का तरफ से मैं भोलानंद महतो आप लोगों को स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो में हम कोई भी फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन में एक बार प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 1/2। दोस्तों, 1/2 ये फ्रैक्शन को हमको परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए एक इजी फॉर्मूला है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 50। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 50%। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 1/4। इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया 25। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 25%। आते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल, 3/4। दोस्तों, नियम एक ही है, हमको इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये बन गया 75%। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 4 3/25। दोस्तों, इसको हमको परसेंटेज में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो ये बन गया 12%। क्वेश्चन नंबर 5 3/1/5। दोस्तों पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है तो ये बन गया 16/5। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो परसेंटेज बन गया 320%। क्वेश्चन नंबर 6 3/6/25। पहले ये नंबर को हमको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना है तो बन जाता 75 + 6 81/25। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई 324%। क्वेश्चन नंबर 7 2/17/40। तो दोस्तों, पहले हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेना पड़ेगा तो 97/40। आप इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 48/2%, 2.5%। तो दोस्तों, मेरा आंसर हुआ 242.5%। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 2/7/8 23/8। अब दोस्तों, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 2 575/2%। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।